अलीराजपुर जिले के नानपुर में आज जयस संगठन के द्वारा भाजपा नेत्री और महू से विधायक उषा ठाकुर का पुतला किया दहन। नाराज जयस कार्यकर्ताओं ने ग्राम नानपुर में उषा ठाकुर का फूका पुतला और थाने पहुंचकर ज्ञापन दिया। उषा ठाकुर द्वारा जयस संगठन को नक्सलवादी कहे गए बयान के बाद नाराज हुए जयस संगठन के लोग कहा, आदिवासी देश का मूल मालिक है, जितना खाते हैं उतनी तो समझ है, अगर देश के मूल मालिक को जगाया तो नक्सली बन भी सकते हैं। पुतला दहन में पहले नानपुर स्कूल तिराहे पर जयस के नवल सिंह मंडलोई, माल सिंह तोमर, नवल बघेल और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पहले पुतला दहन किया और बाद में थाना परिसर में जाकर थाना प्रभारी मोहन सिंह डावर को आवेदन दिया गया। बाद में नानपुर की विवादित दुकानों के बारे में जिला कलेक्टर, जिला पंचायत, CO, SP सभी को ग्रामीण द्वारा आवेदन दिया गया। तो मैं जाए सिंधु सभ्यता के पहले कोई था तो आदिवासी था, और जब आदिवासी ही इस देश का मालिक है तो हमको ये उषा ठाकुर कौन होती कि देशद्रोह कहने वाली। वो अगर इतनी बड़ी मंत्री है, इतनी बड़ी नेता है और इतनी बड़ी पोस्ट पे है, इस तरह के बयान से निंदनीय है, क्योंकि हम भी जितना खाना खाते उतना तो कम से कम जानते हैं, और इस देश के मूल मालिक को अगर जगाया जाएगा तो हम आज सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, और आगे अगर ऐसा मौका मिला तो हमको हथियार उठाना पड़े तो हथियार भी उठाएंगे। हम नक्सल वाली बनने के लिए भी तैयार है। वो जब आप लोग हमको ऐसी मुसीबतों में डालेंगे तो हम 100% है कि एक दिन ये भी आएगा जब अंग्रेजों अलीराजपुर से मनीष जोशी की रिपोर्ट।